गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो वी आर लाइव नाउ। एक बार मुझे बता दीजिए कि आप लोगों को वीडियो और ऑडियो क्लियर है क्या, एक बार मुझे बताएं। चलिए, गुड इवनिंग। एक बार मुझे बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। चलिए, चलिए बढ़िया, चलिए सर। फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ही स्टार्ट हो रहा है ना फुकरन, फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी इस क्लास में, ठीक है। तो अपन फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फोर्थ यूनिट अपन स्टार्ट कर रहे हैं और फोर्थ यूनिट ही हम कवर करेंगे क्योंकि बहुत छोटा है, दो या तीन क्लास में ख़त्म हो जाएगा, मैक्सिमम दो क्लास या तीन क्लास लगेगी इसमें ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर भी हो जाएगा। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि अभी मैं एक रिकॉर्डेड वीडियोज़ एक दो डालूँगा, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन, बोज़ नोटेशन, ये दो तीन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इनके मैं डालूँगा। इनको आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, पेपर में इनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, पेपर में इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो आप लोग बहुत अच्छे से इनको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलें, चलिए, गुड इवनिंग। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक, दैट इज कॉल्ड फोर्सेस, ठीक है। फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम, ये चैप्टर का नाम है, फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर का नाम है। अब फोर्स क्या चीज होती है? फोर्स ये होता है कि आप किसी बॉडी पर एक वर्क करते हो और वो वर्क उस बॉडी के शेप, साइज, मोशन को चेंज करता है या करने की कोशिश करता है, चेंज कर देता है या कोशिश करता है, दोनों ही फोर्स कहलाते हैं। जैसे एक गाड़ी चल रही है, आप उसको रोकने की कोशिश किए, गाड़ी रुक गई, ठीक है। दूसरा, आप टेबल को उठाए, एक जगह से दूसरी जगह रख दिए, आपने फोर्स लगाया और वर्क हुआ। तीसरा एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपने दीवार पर एक फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन वर्क नहीं दिखेगा आपको, लेकिन क्या मैं ये बोलूँगा फोर्स नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। तो फोर्स हो सकता है कि उसका एक्शन दिखे, हो सकता है उसका एक्शन ना दिखे, ये ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे फोर्सेस एक साथ किसी बॉडी पर लगते हैं तो एक तरफ से लगने वाले फोर्सेस दूसरी तरफ से लगने वाले फोर्सेस के बराबर हो जाते हैं, तो बीच वाली बॉडी जो होती है दैट इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम। जैसे मैं आपको अगर बोलूं, दो चुंबक इक्वल इंटेंसिटी के अगर आप यहां रख देंगे और बीच में एक लोहा रख देंगे, लोहे की बॉल रख देंगे, तो वो हवा में लटकी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम वर्ल्ड में फोर्सेस लगना जरूरी है, तभी ये वर्ड इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर किसी बॉडी पर फोर्स ही नहीं लग रहे हैं तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर ये इक्विलिब्रियम है, नहीं, उस पर फोर्स लगने चाहिए और दोनों साइड के लगने वाले फोर्स बराबर होने चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। फोर्स और इक्विलिब्रियम दो चीज आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के, दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। आरजीपीवी के पेपर में एक दो बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैं आपसे कोई वो
ऐसी कोई वो वाली बात नहीं करूँगा, बस आपको थ्योरी समझा दे रहा हूँ। जो समझाने वाली चीज़ है उसको मैं समझाऊँगा, जो लिख के बताने वाली चीज़ है वो मैं लिख के बताऊँगा। इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स, ऑब्वियस सी बात है, आप इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स किसी से भी पूछेंगे, किसी से मतलब अपने छोटे भाई से भी पूछेंगे तो वो बता देगा कि भैया इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ये होता है कि हम ये सामान को उठा के वहाँ, मतलब मोशन वाली चीज़ रुक जाए, रुकी हुई चीज़ मोशन में आ जाए। सिंपल, कोई भी बता सकता है, नौवीं दसवीं का बच्चा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमको अपने चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ना है। पहला पॉइंट वही है कि ये बॉडी को मोशन में रख सकता है और मोशन में हुई बॉडी को स्टॉप कर सकता है, डेट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, ये बॉडी को मोशन में रख सकता है और मोशन वाली बॉडी को स्टॉप कर सकता है, डेट इज कॉल्ड फोर्स। दूसरा, ये मोशन को रिटार्ड कर सकता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। जो आप ब्रेक लगाते हो गाड़ी में तो रिटार्डेशन होता है, दैट इज कॉल्ड, वो भी फोर्स ही लगता है। तीसरा, ठीक है, अब क्या होता है कि बॉडी पर जब हम रिटार्डेशन फोर्स लगाते हैं या ब्रेक लगाते हैं या उसके फोर्स को कम करने की कोशिश करते हैं तो बॉडी या तो स्टॉप हो जाती है, रेस्ट में चली जाती है, या तो वो इक्विलिब्रियम में चली जाती है। ठीक है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, बॉडी रुक गई। ठीक है, इक्विलिब्रियम में फोर्स आ गया। या फिर जैसे आप एक एग्जांपल सिंपल सा ले सकते हो, जो हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं सारे, ये इक्विलिब्रियम में है ना, इधर से भी बराबर फोर्स, इधर से भी बराबर फोर्स, सब रुके हुए हैं अपनी जगह पर, मतलब मोशन में है लेकिन उनका पाथ निश्चित है, ये सब इक्विलिब्रियम में है। जैसे गाड़ी रुक जाती है, ये रेस्ट में आ जाती है, ये भी। ठीक है, अब क्या होता है जब भी हम किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं, जैसे ये बॉडी है, इसमें हमने फोर्स लगाया, इसको मैं तोड़ने की कोशिश करूंगा तो ये पेन नहीं टूटेगा, लेकिन एक लिमिट के फोर्स के बाद ये टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? तो वहां पर एक वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। जब मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाता हूं तो ये बॉडी टूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से एक स्ट्रेस जनरेट होता है, इंटरनल स्ट्रेस जनरेट होता है जो इसको टूटने नहीं देता है। उस इंटरनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस, ये ध्यान रखिएगा, वो इसको टूटने नहीं देता है। लेकिन जैसे ही उस स्ट्रेस से हम ओवरकम करते हैं, उससे आगे जाते हैं, ये पेंसिल टूट जाएगी। ठीक है, तो फोर्स का एक ये भी काम है कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर तो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये चार या पार्ट पॉइंट है जो आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको समझा देंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है पूछें, यहां तक के पॉइंट में किसी को कोई डाउट है तो पूछें। क्या मैं ये बोलूंगा फोर्स नहीं टूट जाएगी? ठीक है, तो फोर्स का एक ये भी काम है कि जब हम फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर तो इंटरनल थप्पड़ मारना तो मैंने उसमें बताया था, ये चार या पार्ट पॉइंट है जो आपको इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको समझा देंगे। थप्पड़ मारना तो मैंने उसमें बताया था। ठीक है, क्लियर है? मूवमेंट ऑफ कोई डाउट है? मूवमेंट निकालने का ये बताया था मैंने कि किसी को कोई डाउट, अगर आप किसी को दूर से थप्पड़ मारोगे बहुत तेज, मैं ये बोलूंगा फोर्स नहीं, पास से मारोगे तो नहीं चपकेगा। क्यों? टूट जाए, क्योंकि आपके जो हाथ का लेंथ, ये भी काम है, यही डिपेंड करता है आपके किसी बॉडी पर तो इंटरनल बहुत ताकतवर थप्पड़ मारना तो पास से अगर थप्पड़ मारे चार या पॉइंट तो इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कमजोर व्यक्ति थोड़ा दूर से थप्पड़ मारना तो मैंने उसमें बताया था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अगर बॉडी टूट जाए तो, अगर बॉडी टूट जाएगी तो वो स्ट्रेसेस दूर से ओवरकम करके, यहाँ पर देखिए आप इतना ज्यादा मत समझो क्योंकि फिर क्यों टूट जाए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा तो हाथ का लेंथ इलास्टिक लिमिट आ जाएगी, इलास्टिक लिमिट आ जाएगी, पर तो ब्रेकिंग लिमिट आ जाएगी। अगर बॉडी पड़ मारे इसका मतलब ये हो गया इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रेस जनरेट हो रहा है थोड़ा दूर से थप्पड़ मारना हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स, ठीक है, मतलब फोर्स हम लोग ये लगा रहे हैं और बॉडी में स्ट्रेस कम जनरेट हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ फोर्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको सुनना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करूँ,
तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में पहला जो कैरेक्टर होता है दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा, 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 100 किलोग्राम का फोर्स, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 10, 100, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो आपको ये बताना पड़ता है कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा है। सेकंड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन। जैसे मैंने यहां से एक गोली फायर की और ये गोली जाकर यहां टकरा गई, तो दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दैट बुलेट। ठीक है, ये उस बुलेट की लाइन ऑफ एक्शन होगी। क्लियर है यहां तक लाइन ऑफ एक्शन? नाउ द थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ फोर्स। अब नेचर ऑफ फोर्स का मतलब ये एक पुश है या पुल है, ये दबा रहा है किसी चीज को या खींच रहा है। ऑब्वियसली जैसे गोली जब फायर होती है तो वो किसी बॉडी को दबाती है। अब वो बॉडी जितने देर तक तो झेल पाती है, इंटरनल स्ट्रेस नहीं झेल पाती है, फोर्स बढ़ जाता है, गोली अंदर घुस जाती है, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है, जो लगाया गया फोर्स है वो ज्यादा हो जाता है। तो नेचर ऑफ फोर्स भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम एरर हेड से दिखाते हैं नेचर ऑफ फोर्स, कि भाई ये पुल है कि पुश है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको हम नेचर ऑफ इससे दिखाते हैं। नाउ द फोर्थ इज पॉइंट एट विच इट एक्ट्स, वो पॉइंट जिस पर ये एक्ट कर रहा है। जैसे मैंने यहां से गोली कहीं निशाना लगाकर मारी, वो गोली जाकर उस निशाने पर लग गई, तो दैट पॉइंट वो होगा उसका एक्शन पॉइंट, मतलब उसके लिए एक्शन हमने लगाया है ना। ठीक है, तो वो होगा पॉइंट ऑफ एक्शन, या फिर वहां पर वो पॉइंट, जो पॉइंट है जहां पर वो एक्शन कर रही है, वहां पर उस फोर्स का एक्शन हमें दिखेगा, है ना। तो ये हमको समझ में आता है। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको बताएं एक बार कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकंड, कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा है, एंड स्ट्रेन भी हो सकता है। नहीं, स्ट्रेन का मतलब ये होता है प्रखर, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ फोर्स को हम चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्ट्रेन अलग चीज होती है, स्ट्रेस अलग चीज होती है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन, जैसे मैंने यहां का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, ये गोली जाकर अगर खींचा हमने किसी बॉडी को, तो इसमें चेंज होगा ऑफ एक्शन ऑफ डेल्टा एल डिवाइड बाय जो ओरिजिनल लेंथ था, वो उससे निकलेगा स्ट्रेन होगी। स्ट्रेस क्लियर है यहां तक, वैसे नहीं निकलता है लाइन ऑफ एक्शन। नाउ द थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, अब नेचर ऑफ फोर्स का मतलब ये एक पुश है या पुल है, ये दबा रहा है किसी चीज को या सर वॉइस डबल आ रही है, अभी भी आ रही है क्या डबल? गोली जब फायर होती है तो वो किसी बॉडी को दबाती है। अब वो बॉडी जितने देर तक अभी आ रही क्या झेल पाती, झेल पाती है, इंटरनल स्ट्रेस नहीं झेल पाती है, फोर्स बढ़ जाता है, गोली अंदर घुस जाती है, मतलब स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाती है, जो लगाया गया फोर्स है वो ज्यादा हो जाता है। तो नेचर ऑफ फोर्स भी आपको पता होना, अभी भी आ रही क्या? अभी भी आ रही क्या? अभी भी आ रही? अब ठीक हो गया। चलिए, मैं भी कोई दिक्कत होगी, पता नहीं क्या होगा।
अब सही है, अब सही है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं सारे पॉइंट्स में। अच्छा अब नहीं आएगी, अब नहीं आएगी, ठीक है अब नहीं आएगी, ठीक है अब क्लियर है वॉइस। चलो बीच में क्लियर क्लियर क्लियर, चलो अब ठीक है, अब ठीक है, चले बहुत बढ़िया। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सिस्टम ऑफ फोर्सेस। सिस्टम ऑफ फोर्सेस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के इसके 100% चांस है, ठीक है ये 100% चांस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं जो आपको शायद पहले से भी आता हूं। ये तीन एक्सेस हैं, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, जेड एक्सेस। ये जो एरिया है, ये एरिया, ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन, ठीक है, ये कहलाएगा वाई जेड प्लेन, ये कहलाएगा जेड एक्स प्लेन। दो एक्सेस को मिलाने पर एक प्लेन बनता है, ठीक है ठीक है। तो यहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, ये आप समझ लो, ठीक है। इसको मैं अब साफ कर देता हूं क्योंकि यहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी थोड़ी जगह की। तो पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन दैट इज कोप्लैनर फोर्स, कोप्लैनर फोर्स। देखो अभी मैंने एक प्लेन बताया, अब यहां पर आपको वर्ड आ गया प्लानर, मतलब को प्लानर फोर्स का मतलब यह है कि वो फोर्स जो एक ही प्लेन पर लगे। एग्जाम्पल देकर मैं समझाता हूं और इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखा देता हूं, डेफिनेशन बहुत ध्यान से लिख लीजिएगा, डेफिनेशन ही पूछी जाती है। सो द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन lie on the same plane are known as coplanar forces। नाम से ही आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो चुका होगा कि कोप्लानर फोर्सेस क्या होता है, जो एक उसका लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम प्लेन पर हो, सेम प्लेन पर हो। जैसे एग्जांपल कैरम की गोटी, कैरम बोर्ड खेला है, कैरम में आप जब हिट करते हो तो वो जो गोटी है वो मूव करती है केवल एक प्लेन पर। ये नहीं होता कि आपने हिट किया तो गोटी हवा में उड़ गई, मतलब एक्सेप्शन केस हो सकता है, बट एक सिंपल केस लेकर चलते हैं कि आप जब हिट करते हो तो अलोंग द ग्राउंड जाती है, मतलब वो एक प्लेन पर मूव कर रही है। प्लेन का मतलब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों पर वो मूव कर रही है, गोटी इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, बट ऐसा नहीं होगा कि तीसरे एक्सेस पे चली जाए हवा में उड़ने लगे, ऐसा कभी नहीं होता। दैट इज कॉल्ड अ कोप्लैनर फोर्सेस। आप भागते भागते जाते हो, जैसे कोप्लैनर फोर्सेस, तो एक प्लेन पर जब आप चीजें मूव कराते हो दैट इज कोप्लैनर फोर्सेस। सेकेंड कोलीनियर फोर्सेस। कोलीनियर नाम से ही क्लियर हो गया होगा बहुत सारे लोगों को। सो द फोर्सेस हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन द
सेम लाइन आर नोन एज कोलीनियर फोर्सेस। इस क्लास के बाद आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ रहा। कोलीनियर फोर्सेस को मैं बताऊं, जैसे मैंने एक गोली मारी, वो गोली गई और सीधे उस जगह पर जाकर जहां पर मैंने हिट करना चाहता था वहां जाकर लग गई। वो एक लाइन को फॉलो करते हुए गई, ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी इधर गई, कभी इधर गई, कभी ऊपर गई, कभी नीचे गई और फिर जाकर उस पॉइंट पर लगी, ऐसा नहीं हुआ। उसने अपने लाइन ऑफ एक्शन को ही फॉलो किया और लाइन ऑफ एक्शन के साथ ही जाकर वहां लग गई। इसका एक सिंपल एग्जांपल है लाइट। लाइट को हम बोलते हैं ना स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो लाइट भी कोलीनियर एग्जांपल का कोलीनियर फोर्सेस का एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि लाइट का जो मोशन होता है वो कोलीनियर होता है। ठीक है, एक लाइन पर जो चीज मूव करे दैट इज कॉल्ड कोलीनियर। अब यहां तक किसी को कोई डाउट है तो? हाँ प्रखर बताएं। सर आपने बहुत लंबा लिख दिया। क्या समझा दें? क्या समझना है बताएं मुझे, एक बार और बताएं क्या क्या समझना है। बफरिंग हो रही? क्लियर है? क्लियर क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साउंड इको हो रहा है? साउंड कैसे इको हो रहा है यार, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? माइक भी सही लगा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चलो बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, कोलीनियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, द थर्ड पॉइंट इज कॉनकरेंट फोर्सेस। कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। सो द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट कॉनकरेंट फोर्सेस। यहां पर एक बहुत समझने वाली चीज है जो आप लिख लेना कि द कॉनकरेंट फोर्सेस मे और मे नॉट बी कोलीनियर। क्या लिखा मैंने? कॉनकरेंट फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो एक ही पॉइंट पर जाकर मिल जाते हैं। तो मिलने के एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं तो जैसे ये एक पॉइंट है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। आपको एक चीज दिख रही होगी, ये सारे एक पॉइंट पर तो मिल रहे हैं बट ये क्या कोलीनियर है? नहीं है। ये एक लाइन पर थोड़ो ना ऐसे जा रहे हैं, और हो भी सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? मान लो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स उसी के साथ इधर है, या फिर तीसरा फोर्स इधर की ओर है। तो ये कोलीनियर तो है ना, एक ही लाइन पर ही लग रहे हैं, तो ये कोलीनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो कॉनकरेंट फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं बट वो कोलीनियर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं।
क्लियर। अच्छा पहले हुआ था तब की बात कर रहा है वो। अभी आवाज क्लियर होगी भाई, अभी तो सब चकाचक चल रहा है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं चलें। क्लियर, ठीक है चले, क्लियर क्लियर। चलो आगे बढ़ें, तो कॉन्करेंट फोर्स समझ में आ गया होगा। फोर्थ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। अब मैं इनकी डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा केवल। कोप्लानर फोर्स मैंने आपको समझा दिया, जो एक ही प्लेन पर हो, कॉन्करेंट जो एक ही लाइन एक ही पॉइंट पर मिले, तो कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो एक ही पॉइंट पर मिले और एक ही प्लेन पर हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। तो कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस वो फोर्स होते हैं जो एक ही प्लेन पर तो हों लेकिन एक पॉइंट पर ना मिले। नॉन कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट पर ना मिले, एक फोर्स इधर जा रहा, दूसरा फोर्स इधर जा रहा, तीसरा फोर्स उधर जा रहा, लेकिन प्लेन पर ही हो, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस, नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस जो एक प्लेन पर ना हो बट एक ही जगह पर मिल रहे हो, जैसे जब क्रिकेट के बैट पर गेंद लगती है तो वो पॉइंट जो होता है वो एक प्लेन पर नहीं होता, वो 3D डायग्राम पे होता है, और लेकिन मिलता वहीं पर है, गेंद इधर से आई बल्ले पर लगी और गेंद गई कहीं और, ठीक है। तो वो पॉइंट जो होता है दैट इज नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट, मिल तो रहा है लेकिन बॉल आई इधर से जा रही है उधर, तो कोप्लानर नहीं है, एक प्लेन पर नहीं है, बॉल कहीं और से आई और किसी और प्लेन पर चली गई, है ना, तो वो कहलाता है एक ही प्लेन पर मूव नहीं कर रही बॉल, तीसरे डायमेंशन में मूव करने लगी, बॉलर ने हाथ से छोड़ा वो इस डायरेक्शन में छोड़ा, बॉल लगी गई किसी और डायरेक्शन में, तो ये हो जाता है नॉन कोप्लानर, ठीक है। नाउ द सेवेंथ इज नॉन कोप्लानर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस। अब ये वही है कि ना तो वो एक प्लेन पर हो ना तो वो कभी मिले, ना तो एक प्लेन पर हो ना कभी मिले, एक फोर्स वहां है, दूसरा फोर्स वहां है, तीसरा फोर्स वहां है, जिनका किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दो आदमी इधर क्रिकेट खेल रहे हैं, दो उधर खेल रहे हैं, उसने मारा शॉट उधर गई, उसने मारा शॉट उधर गई, दोनों क्या मतलब, तो ना वो एक प्लेन पर हैं ना वो एक पॉइंट पर कभी मिल रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। ऐसे करके आप ये जो मैंने अभी पीछे बताए थे कॉन्करेंट फोर्स कोप्लेनर कोलिनियर, आप इनसे करके बहुत सारी डेफिनेशन बना सकते हो और किसी से भी फंसाने के लिए पूछ सकते हो अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, है ना, ठीक है। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। गुड मॉर्निंग सर राहुल,
गुड मॉर्निंग। ऐसे इंजीनियरिंग की भाषा में बोलते हैं कि जब पहली बार मिलो तो गुड मॉर्निंग ही बोलो, चाहे वो रात हो। ठीक है, सबको क्लियर? क्लियर, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर हो गया। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात आती है एक डेफिनेशन की, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक है। क्लास के लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगा आपके मिड सेम से रिलेटेड, ठीक है। रिजल्टेंट का मतलब यह होता है, ध्यान समझना, रिजल्टेंट का मतलब यह होता है कि एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, उन बहुत सारे फोर्सेस को हटाकर मैं कोई एक ही फोर्स लगा दूं, लेकिन उस एक फोर्स का काम उतना ही हो जितना उन बहुत सारे फोर्स लग रहे थे। मान लो चार फोर्स एक बॉडी पर लग रहे हैं और वो उसको 4 सेंटीमीटर दबा दे रहे हैं, तो मैं उस चार फोर्स को हटाकर एक फोर्स लगाऊं उस चार फोर्स के बराबर ही, जिससे वो बॉडी 4 सेंटीमीटर ही दबे। मतलब बिना इफेक्ट में चेंज किए हुए बहुत सारे फोर्सेस को हटाकर एक फोर्स को इंट्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। और वो जो एक फोर्स होगा उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ दैट फोर्सेस। तो डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं जो आपसे पूछी जा सकती है। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस पी क्यू आर एंड सो ऑन are acting simultaneously on a particle, then it is possible to find out a single force which could replace them. मतलब if a number of forces PQR बहुत सारे force हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं, देन इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट अ सिंगल फोर्स विच कुड रिप्लेस देम। ऐसा सिंगल फोर्स हमें फाउंड करना है जो इनको रिप्लेस कर दे। कैसे रिप्लेस करे? विच वुड प्रोड्यूस the same effect as produced by all the given forces. कैसे करें? Which would produce the same effect as produced by all given forces. वो जो पुराने पी क्यू आर एस फोर्स लग रहे थे वो जितना इफेक्ट इस पर प्रोड्यूस कर रहे थे उतना ही इफेक्ट हम प्रोड्यूस कर दें इस पर। दिस सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट
फोर्स एंड द गिवन फोर्स को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखिएगा कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉल्ड कंपोनेंट फोर्सेस। ये जो PQR हैं इनको हम कंपोनेंट फोर्सेस बोलते हैं, और जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम R से दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर? जब मिले तभी सवेरा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए बहुत बढ़िया। आप लोग और कोई लाइव क्लास व्लास देखते हो कहीं? लाइव क्लास देखा करो, लाइव क्लास से फायदा होता है, एक दिनचर्या सी बन जाती है, मतलब आपको पता होता है कि इतने टाइम तो मुझे ये करना है, तो जैसे जैसे आपका रूटीन फिक्स होता जाएगा ना जल्दी जल्दी, तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता रहेगा, है ना। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अभी CS US वाले क्या करेंगे, तो सिविल इंजीनियरिंग वाले सर हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं कि सिविल इंजीनियरिंग के गेट के लिए एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, शायद आप लोग पढ़ भी रहे हो, तो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी मैं यहाँ पर आपको पढ़ाऊँगा, तो चैनल पर बने रहिएगा, आपको ज्ञान मिलता रहेगा भरपूर मात्रा में, है ना। तो आप लोगों को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, एप्टीट्यूड आपके प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी पता है ना, जो भी रिटर्न एग्जाम होते हैं उसमें ये होता है। बफरिंग वीडियो हो रहा होगा, मुझे लगता है आवाज़ नहीं हो रही होगी, है ना, वीडियो को बफर होने दो, आवाज़ क्लियर रखने दो, है ना। ठीक है, वो इंटरनेट की स्पीड ऊपर नीचे होती रहती है यार, थोड़ा थोड़ा, क्या ही बोलें उसको, अब उसको क्या ही ब्लेम दें, है ना। चलें आगे बढ़ते हैं, तो रिजल्टेंट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स फॉर द रिजल्टेंट फोर्स, मेथड्स फॉर रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के लिए मेथड्स कौन कौन से हमारे पास होते हैं। सो दो मेथड होते हैं, फर्स्ट इज एनालिटिकल मेथड, सेकंड इज मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, या फिर इसी को हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। लेकिन हम जहां पर भी, आपको एक मैं मैकेनिक्स का बता दूं चीज, कि जहां पर भी हम यूज करते हैं मैक्सिमम जगह एनालिटिकल मेथड ही यूज करते हैं, ग्राफिकल मेथड को हम कम रेफर करते हैं, बाकी वो अच्छा मेथड होता है, सरल होता है। लेकिन क्या होता है, ग्राफिकल मेथड को यूज ना करने का एक रीजन है कि जैसे मैं आपको बोलूं कि बेटा 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचो, तो हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे 9.9 की खींच दें, बहुत सारे हो सकता है 10.1 की खींच दें, मतलब थोड़ा सा एरर आने की संभावनाएं होती हैं, थोड़ा सा एरर आने की संभावनाएं होती हैं ग्राफिकली अगर हम किसी चीज को बनाते हैं तो। अब उस थोड़े से एरर की वजह से आंसर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है, इसलिए हम उसको सीख तो जाते हैं बट रेफर हम एनालिटिकल मेथड करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप फॉर्मूला लगाओगे सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है, तो इसलिए हम उसको प्रेफर करते हैं ज़्यादा। नाउ अगला जो है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड को पढ़ने के लिए
एनालिटिकल मेथड के भी दो मेथड होते हैं. नंबर वन इज, नंबर वन में इज, आपने नाम सुना होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. एंड द सेकेंड वन इज मेथड ऑफ रेजोल्यूशन या फिर ग्राफिकल मेथड. ठीक है, मेथड ऑफ रेजोल्यूशन या फिर ग्राफिकल मेथड. ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? बफरिंग ऑफरिंग तो नहीं हो रही? गुड इवनिंग सर. निर्मित, निर्मित आज लेट हो गए, क्या बात है? लाइव काफ़ी लोग हैं लेकिन आंसर कम ही लोग करते हैं. चलो ठीक है, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो, क्या ही मतलब है आंसर आंसर करने का, है ना. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है लाइव क्लास में कि इतने लोग लाइव हैं लेकिन लाइक कम दिख रहे हैं हमको, है ना. उस सब की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड पर कंसंट्रेट करो, पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना. ये तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना. तो मेथड ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है, एनालिटिकल मेथड. तो पहला जो लॉ है उसको हम लोग पढ़ते हैं. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. एक लड़के ने मेरे को बोला था कि सर आप उसमें बोला करिए क्लास में कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. क्या मतलब है? पढ़ रहे हो ना, है ना. वो तो सब अलग चीज़ें हैं, वो सब एक अलग चीज़ें हैं, वो आपको जब समझ में आता है आदमी कर देता है. बट बीच बीच में मैं बोलूं तो ये ठीक है, सबके अपने पर्सनल चॉइस होते हैं, ठीक है. तो अच्छा है, देखो लाइक बढ़ भी गए इतना बोलने से. यार महाकाल की दया से ठोक दीजिए लाइक सब्सक्राइब, ऐसा बोलना पड़ेगा क्या? चलिए आगे बढ़ते हम लोग, है ना. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में, अरे भाई, इट स्टेट्स, इट स्टेट्स, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का मतलब ये है कि ये जो वर्ड हैं ये एज इट इज यूज होंगे, जैसे कि इसको बोला गया है. ठीक है, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमेंटेनियसली on a particle be represented in magnitude and direction by the टू, अभी लिख लो, मैं बताऊंगा कि वो ये क्या है. एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम देयर रिजल्टेंट may be represented as, may be represented in magnitude and direction by the diagonal
द पैरेललोग्राम विच पासेस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोला मैंने, ध्यान से देखिएगा। यहां पर इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमेंटेनियसली ऑन अ पार्टिकल, अगर दो फोर्स एक साथ एक पार्टिकल पर एक्ट करते हैं, बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, उनको जो रिप्रेजेंट किया जाता है उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को टू एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब होता है जो लगी हुई साइड्स हो पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की दो चार साइडें होती हैं, दो ऐसे दो आमने सामने ऐसे, तो दो जो लगी हुई साइड्स हैं उनसे दिखाया जाए तो देयर रिजल्टेंट, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा बाय द डायगोनल, क्योंकि उसके दो डायगोनल होंगे, एक ऐसे, कौन से डायगोनल, जो उनके मिलने वाले पॉइंट के वहां से होकर निकलेगा। फिगर के थ्रू मैं समझा देता हूं आपको कि इफ टू फोर्सेस, ये दो फोर्सेस हैं, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमेंटेनियसली ऑन अ पार्टिकल पैरेललोग्राम सही दिख रहा ना, ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। अब ये मान लीजिए उसके साइड्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं, तो ये एक फोर्स है जो इधर की ओर दिख रहा है और एक फोर्स ये है, सो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, तो ये दो फोर्स हैं, इनका मैं नाम दे देता हूं, दैट इज ए एंड दिस इज बी। सो दो फोर्सेस कैसे रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये उनके एडजेसेंट साइड है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के मिलने वाले पॉइंट को सामने वाले पॉइंट से मिलाने वाले डायगोनल के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसके दो डायगोनल होंगे कि यहां से यहां तक, तो वो वाला नहीं होगा, रिजल्टेंट होगा ये, समझ गए, तो ये होगा इसका रिजल्टेंट, यही इसमें बोला गया है, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं तो मैं यहां लिख सकता हूं, अगले पेज पे लिखता हूं ज्यादा ठीक रहेगा। सो मैथमेटिकली R विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। इनको A और B को अपन F1 F2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। और दूसरा एक फॉर्मूला है, tan अल्फा विल बी इक्वल टू F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा। यहां पर मैं लिख देता हूं चीजें हैं क्या क्या, सो हेयर F1 एंड F2 आर द फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज रिक्वायर्ड टू फाउंड, ठीक है। थीटा क्या है अपना, दोनों के बीच का एंगल, दिस इज थीटा, सो एंगल बिटवीन F1 एंड
एफ टू। यहाँ पर एक टर्म और है अल्फा, अल्फा को थोड़ा ध्यान समझना है ना, अल्फा से ही आपका आंसर बार बार डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए मैं अभी से बता दे रहा हूँ, अल्फा को ध्यान समझना। सो एंगल विच द रिजल्टेंट फोर्स मेक्स विथ वन ऑफ द फोर्सेस, मतलब वो एक एंगल जो रिजल्टेंट और कोई एक फोर्स मिलकर बना रहा है, ठीक है, एफ वन एफ टू, तो कोई एक फोर्स का। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब आप ये एंगल, ये समझने वाली चीज है, जब आप अल्फा एंगल एफ वन की साइड लोगे, ये एफ वन की साइड है, तो ये फॉर्मूला लगाओगे F2 टू साइन थीटा अपॉन F1 वन प्लस एफ टू कॉस थीटा। लेकिन अगर आप एंगल इधर साइड लोगे तो आप फॉर्मूला पलट दोगे, F1 वन साइन थीटा अपॉन F2 टू प्लस एफ टू एफ वन कॉस थीटा। मतलब ये जो है ना, जो इंडिविजुअल F1 और F2 जो भी आप लिखोगे, ये उधर साइड का होना चाहिए जिधर साइड ये एंगल बन रहा है। समझ में आया सबको? ये उधर साइड का होना चाहिए जिधर ये एंगल बन रहा है। क्लियर है सबको? बताएं एक बार मुझे, वो महाकाल सर के तरह, हाँ महाकाल वाले सर की तरह। चलिए ठीक है, तो आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है, क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास ये है फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है, आपके पास दो फॉर्मूला बता दिया, F1 F2 कैसे आप इंटरचेंज करोगे। अब यहां पर बनेंगे केसेस, सो केस वन, इफ थीटा विल बी इक्वल टू जीरो डिग्री, अगर थीटा जीरो डिग्री हो तो इस फॉर्मूले में अगर थीटा जीरो डिग्री हो तो जब ये जीरो डिग्री होगा तो ध्यान समझो, सो व्हेन द फोर्सेस एक्ट अलोंग द सेम लाइन, सो क्या होगा फॉर्मूला, R विल बी इक्वल टू F1 वन प्लस एफ टू। क्यों? क्योंकि साइन जीरो डिग्री होता है वन, साइन जीरो डिग्री होता है वन, साइन जीरो डिग्री हो गया वन, तो क्या बन गया, F1 वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट के बाहर आ गया, मिल गया F1 वन एफ टू। मतलब एक फोर्स ऐसे लग रहा है, दूसरा फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है F1 और F2, तो ऐसे ही ना बनेगा भाई, जीरो डिग्री, ठीक है। दूसरा, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल, तो राइट एंगल पे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हो गई जीरो, तो जीरो होगा तो R विल बी इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ठीक है, 90 डिग्री पे हो गया। तीसरा, इफ थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब उल्टा, एक फोर्स इधर दूसरा फोर्स इधर, तो 180 डिग्री का होता है cos 180 डिग्री होगा माइनस वन, तो फॉर्मूला बदल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो फॉर्मूला बनेगा आर इक्वल टू एफ वन माइनस एफ टू, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एफ वन एफ टू, तो ऑब्वियस सी बात है एक दूसरे को काटेंगे, माइनस होगा,
ठीक है, बॉडी उधर ही की ओर मूव करेगी जिधर की ओर फोर्स ज्यादा होगा। नाउ द फोर्थ केस इज इफ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F, अगर F1 F2 बराबर हो गए तो देखो ध्यान से, R विल बी इक्वल टू F1 F2 की जगह सब जगह F रख दो, प्लस 2F² cos थीटा। सो यहां से जुड़ जाएगा 2F² जुड़ जाएगा तो आ जाएगा बाहर, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2F² आ गया बाहर, तो 1+cos θ बचा, ये दोनों जुड़ गए, तो 1+cos θ को मैं लिख सकता हूं 1+cos θ विल बी इक्वल टू 2cos²θ/2। ठीक है, तो यहां पर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा दैट इज 2F² 2cos²θ/2। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 4F² cos²θ/2, बाहर आ जाएंगे तो आएगा 2F cos θ/2। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये ऐसे ही मैंने नहीं कराया है, इसका मतलब ये है अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स अगर बराबर दे दिए जाएं तो आप ये R वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप डायरेक्ट लगाओगे 2F cos θ/2 और इस पर वैल्यू रख दोगे, आंसर ले आओगे। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा कि अगर दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है, मतलब ये दे दिया कि एक बॉडी पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं 50 न्यूटन और 50 न्यूटन के, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, नहीं करोगे ऐसे भी तो आ जाएगा, लेकिन डायरेक्ट जब आपके पास आ गया है वैल्यू तो आप इसी को लगाओगे। ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ना, तो यहां तक सबको क्लियर है। सो अगली क्लास में, यहां तक आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, क्या रिपीट करना है सर, F2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा? F2 के लिए फॉर्मूला होगा F1 sin θ / F2 + F1 cos θ। ठीक है, F1 और F2 जहां पर है वो बदल जाएगा बस, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? सो आई थिंक आज की क्लास कितना हो गया भाई, काफ़ी टाइम हो गया क्या, लगभग 1 घंटा होने वाला है, चलिए काफ़ी लंबी क्लास हो गई है। सो क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, गुड नाइट और टेक केयर, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ऐसे ही। ठीक है, गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। ठीक है, और कोई भी डाउट हो